राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कलाकंद। उसके लिए मैंने लिया है ये 1 किलो के करीब दूध है, जिसको मैंने बॉयल होने रख दिया है। और थोड़ा सा उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाला इलायची पाउडर। मेरे पास इलायची नहीं थी, इसलिए मैंने 7-8 इलायची को कूट कर क्रश बढ़िया क्रश करके उसको पाउडर को डाल दिया था। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बबाद चीनी कम रह गई थी थोड़ी, तो मैंने बाद में 2 चम्मच और ऐड कर दी थी। ये 2 ही चम्मच नहीं है, इसके पहले मैं चीनी डाल चुकी थी, उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। उसके बाद इस तरह से ये उबाल आ रहा था बढ़िया, जो कि अभी थोड़ा टाइम टेकिंग रेसिपी है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। मुझे भी लगा था यहाँ पर कि शायद अब मैं यहाँ रेडी हूँ नींबू का रस डालने के लिए, बट नहीं, स्टिल अभी अभी थोड़ा रुकना था। थोड़ा और गाढ़ा होने पर इसमें थोड़ा 2 चम्मच के करीब आप नींबू का रस डालना। उसके बाद आप 1.5-2 चम्मच घी मैंने डाला था 1 किलो दूध के अकॉर्डिंग, तो आप भी इतना ही डालना। ये डाल दिया मैंने नींबू का रस। उसके बाद 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया घी। घी इसलिए क्योंकि थोड़ा टेस्ट बैलेंसिंग भी हो जाता है और चिकनाहट सी थोड़ी सही रहती है उसमें। और मैंने थोड़ा नींबू का रस पहले इसलिए डाल दिया था क्योंकि दूध फिर बहुत कम होने वाला था, पता चला थोड़ी सी बनी है इस करके। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी कुछ हो गई थी, जो कि बहुत बढ़िया हो रही थी। दाने दाने से दिखने लग गए थे, वो कलाकंद में दानेदार होती है ना, वो इसीलिए वो दानेदार होना, ये इस तरह का टेक्सचर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने गैस को कर दिया था बंद। उसके बाद मैंने एक बॉक्स में लिया, उसमें लगाया मैंने घी। आप बटर पेपर यूज़ करके भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम डाले और उसके बाद मैंने इसको पूरे डिब्बे में स्प्रेड कर दिया था। ये देखिए 1 किलो में कुछ इतना ही थोड़ा बहुत बन पाया है, बट मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ट्राई किया था, अच्छी बनी थी। ये देखिए कुछ इस तरह की रेसिपी है। ये देखिए मैंने 1 घंटे के लिए इसको रखा, नॉर्मल फ्रिजर में नहीं रखा, नॉर्मल रूम में रख दिया था। और ये देखिए बढ़िया, ये दोबारा से वो कोई नहीं, ये देखिए ये दोबारा से, ये कितना अच्छा आया टेक्सचर और खाने में बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मैंने लगाया अपने लड्डू गोपाल को भोग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।